हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ विभूति और आज मैं समरी बताने जा रही हूँ प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कॉनग्रीव के एक्ट 5 की। ये पार्ट 3 है। लास्ट वीडियो में हमारा जो प्ले है उसकी समरी ख़त्म हुई थी कि जो फेनल होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो मिसिस फेनल को थ्रेटन करता है कि मैं तुम्हें जो है रून कर दूंगा और तुम्हारी रेपुटेशन जो है बिल्कुल गिरा दूंगा सबकी नज़रों में। अब लेडी विशवर्ड कहती है कि जो रिविलेशन है अफेयर का वो एक स्मॉल कम्फर्ट है मेरे लिए। तो मीराबेल होता है वो कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, सभी सही समय पर जो बचे हुए ऑफेंडर्स हैं उनको भी आ जाने दो। फिर वहाँ पर फोएबल और जो दूसरा वेटवेल होता है वो दोनों वहाँ आ जाते हैं। वेटवेल जो होता है वो एंटर करता है विद अ बॉक्स ऑफ राइटिंग। लेडी विशवर्ड होती है वो उसे रास्कल कहती है और कहती है कि फाइनली तुम वो ब्लैक बॉक्स ले आए। और जब मीराबेल वो बॉक्स लेता है वो कहता है विटवुड और पीटुलेंट कहाँ है। वेटवेल कहता है कि वो अभी तक सोकर ही उठे हैं। तो फेनल कहता है मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। तो विटवुड और पीटुलेंट की अब एंट्री हो जाती है और विटवुड कहता है कि अरे ये तो कुछ इस तरह है कि सारा प्ले ख़त्म हो गया और लास्ट में अब प्लेयर्स की एंट्री हो रही है। तो अपना फाइनल कार्ड रिवील करने से पहले मीराबेल लेडी विशवर्ड को उसका प्रॉमिस याद दिलवाता है और वो फिर रिवील करता है कि जब मिसिस फेनोल की शादी हुई थी फेनोल के साथ, उससे पहले ही जो मिसिस फेनोल का फॉर्चून था उसने वो सारा फॉर्चून मेरे नाम करवा दिया था। फिर आगे मीराबेल कहता है कि जो मिसिस फेनोल है उसे तुम्हारे टेम्पर की वजह से, तुम्हारे स्वभाव की वजह से लगा ही था कि तुम आने वाले समय में उसे धोखा दे सकते हो, तो इसीलिए उसने अपनी सारी जायदाद पहले ही मेरे नाम करवा दी थी। तो जो मीराबेल होता है वो विटवुड और पीटुलेंट को कहता है क्या तुम्हें याद है एक बार मैंने तुमसे एक पर्चमेंट लाने के लिए कहा था, वो वही था कि जो मिसिस फेनोल की जायदाद था वो मेरे नाम हो रही है। तो वो कहते हैं हाँ हाँ हमने ला के दिया था। तो जो फेनोल होता है वो रीड करता है और कन्फर्म करता है पर्चमेंट को कि क्या जो लिखा है वो सब सही है। तो जो फेनल होते हैं और जो मिस्टर फेनल होता है और मारवुड होते हैं वो दोनों वहाँ से सेम ही गुस्से में चले जाते और कहते हैं तुम्हें देख लेंगे हम जो भी। अब जो लेडी विशवर्ड होती है वो हैप्पी होती है और रिलेटेड होती है और वो मिसिस फेनोल को कहती है कि जो अब सारी संपत्ति जो है तुम्हारे नाम पर ही है। और मिसिस फेनोल कहती है कि आपको मीराबेल का थैंक्स करना चाहिए। तो अब जो है मीराबेल और मिलामेंथ की जो है शादी भी हो जाती है और जो सर विलफुल होता है वो कहता है कि अभी मेरा कोई शादी करने का मन नहीं है, मैं तो अभी और ट्रैवल करना चाहता हूँ। मीराबेल जो है बहुत ही एक अच्छा लड़का है मीलामेंथ के लिए और दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो इनकी शादी हो जानी चाहिए। अब जो मीराबेल और मीलामेंथ होते हैं वो यूनाइटेड हो जाते हैं और वो जो मीराबेल होता है वो मीलामेंथ के हाथ पर किस करता है। फिर एक डांस परफॉर्मेंस होती है। लेडी विशवर्ड होती है वो कहती है कि हो सकता है फेनोल आने वाले समय में इसी किसी को सिलसिले को आगे जारी रखे। तो मीराबेल कहता है कि अगर ऐसा आने वाले समय में हुआ भी उसको भी संभाल लिया जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें। तो इसी के साथ एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है इस एक्ट की। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।